जर्जर स्थिति में यह पुल है। इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखा गया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई। बाजार को जाते हैं, शहर को टच करते हैं। तो आग्रह है यही सरकार से कि इस पुल पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो बड़ी घटना हो जाएगी, तो उसके जिम्मेवार सरकार हो। तो टूटा हुआ हाईवे है, कब से है? कब से टूटा हुआ है? कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं आता है। इलेक्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार कार्रवाई भी करने की बात कर रही है, लेकिन जो पुराने पुल पुलिया है उस पर अधिकारी नजर देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हम आपको बात कर रहे हैं अभी मुजफ्फरपुर के शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा गांव में बने तिरहुत नहर के ऊपर जो पुल बना हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम एक बार आपको दिखा दें कि पुल की क्या कुछ स्थिति है। तिरहुत नहर पर जो बना हसनचक बंगरा गांव में पुल है, उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है और लोग इस पर चलने से डरते हैं। लोगों का कहना है कि काफ़ी पुराना पुल हो गया है, बावजूद इसके किसी अधिकारी की नज़र इस पर नहीं जाती है और कभी भी इस पुल का जो है वह बड़ा हादसा हो सकता है, पुल धंस सकता है। जब बड़े वाहन इस पर चलते हैं तो लोगों के धड़कन जो है वह बढ़ जाती है। लोग जब बड़े वाहन चलते हैं तो इस पर चलना मुनासिब नहीं समझते हैं। यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। पुल की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। पिछले 2 साल से हम शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा में इसी पुल से क्रॉस कर रहे हैं। पिछले 40 साल पुराना यह पुल है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस पुल पे चढ़ने से पहले 5 बार सोचते हैं, क्योंकि इतना जर्जर स्थिति में यह पुल है। इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखा गया, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई। लगातार बिहार में जो है पुल पुलिया गिर रही है, सरकार कार्रवाई की भी बात करती है। जब घटना हो जाएंगी, जब कुछ बड़ा घटना हो जाएगा हसनचक बंगरा शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा में, तब सरकार के सारे आला अधिकारी यहां पहुंच जाएंगे और जो भी घटना बड़ी घटना होने की जो इंतजार कर रहे हैं सरकार या फिर यहां के जो अधिकारी, उससे पहले आकर के इस पुल का विजिट करें और इसके जो पिलर्स हैं उसको देखें और इसका जो बाउंड्री है जो दोनों तरफ से जर्जर हो गया है उसको देखें और नए पुल का निर्माण करने का आदेश दे। इस पुल से तकरीबन सैकड़ों बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, कितना डर बना रहता है उन बच्चों? बहुत डर बना रहता है। यहाँ पे बगल में ही मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है जहाँ पे कम से कम 500 से 800 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इसी पुल से क्रॉस करते हैं। बगल में 5000 जनसंख्या वाली पंचायत है, एक हसनचक बंगरा का भर्ती इंडा है, दूसरा एक पंचायत है मोहम्मदपुर मुबारक, जो इसी पुल से बाजार को जाते हैं, शहर को टच करते हैं। तो आग्रह है यही सरकार से कि इस पुल पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो बड़ी घटना हो जाएगी, तो उसके जिम्मेवार सरकार होगी। सरकार होगी। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? काफी पुराना पुल है, जर्जर पुल है। पुल काफी पुराना है। बच्चा जब इस पर चलता है तो डर नहीं लगता है? डर लगता है पूरा से। काफी पुराना है और जर्जर है, कभी भी टूट सकता है। कभी भी टूट सकता है, हिलता है पुल। हिलता है पुल। लेकिन कोई देखने आया कि नहीं अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं देखता है। क्या मांग करते हैं कि पुल बने? हाँ, पुल बने, बनना चाहिए ना जी। क्या नाम है आपका? शिवलाल पासवान। शिवलाल पासवान जी, क्या कहेंगे? काफी पुराना पुल है। हम तो कहेंगे क्या कहेंगे? हाँ, पुल तो बहुत पुराना है। क्या कहना चाहेंगे? काफी जर्जर स्थिति है, बच्चा भी जाता है इस पुल से होकर। हाँ हाँ, बच्चा भी जाता है। तो कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। काफी डर लगता है ना? काफी डर लगता है। कुछ महिला भी हमको दिख रही थी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। महिला तो चली गई, लेकिन और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? काफी पुराना पुल है। ये तो टूटा हुआ हाईवे है, कब से है? कब से टूटा हुआ है? कोई देखने वाला नहीं है? कोई नहीं आता है। आप लोगों का बच्चा जो है बगल में स्कूल है, इसी पुल से होके जाता है, तो आप लोगों को कितना डर रहता है? अब गाड़ी घोड़ा चलता है तो रुक जाता है, गाड़ी घोड़ा चल गया तो पास कर जाता है। मतलब जब गाड़ी घोड़ा चलता है तो बच्चे को पास नहीं करने देता? क्या है, रोड खराब है पुल, इसलिए नहीं जाने देता। गाड़ी चढ़ता है तो जंप करता है पुल, जंप करता है, कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। क्या नाम हुआ? अरुण पासवान। कौन सा गाँव हो गया? हसनचक बंगरा। हसनचक बंगरा, क्या कहेंगे? काफी पुराना पुल है। बहुत पुराना सर पुल हो गया, कब गिर जाएगा इसको कोई पता नहीं है। बहुत कोई भी हादसा हो सकता है, कखनी अनहोनी हो सकता है इससे। बगल में स्कूल है, काफी सारे बच्चे इसी स्कूल से होकर पढ़ने जाते हैं, नीचे नहर में पानी भी है। ऐसे में अगर कुछ होता है तो फिर सरकार जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेदारी होगा। कोई अधिकारी नहीं आते इस पुल को देखने? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। पूरा जर्जर, नीचे से देखिए ना पूरा। इसमें है तो सैकड़ों के संख्या से बच्चा बंगरा स्कूल में जाते हैं, पढ़ने के लिए आते जाते हैं। अगर गाड़ी इस पर मैं सर चल रहा है तो पुल डोलेगा। पुल डोलता है जी, पुल हिलेगा। अच्छा, पता चलेगा कि पुल हिल रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मिथुन पासवान। मिथुन पासवान,
तमाम लोगों को सुन रहे थे हम, आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार में लगातार पुलों का गिरना जारी है। सरकार कार्रवाई की बात करकर खानापूर्ति कर रही है, लेकिन न्यूज फॉर नेशन की टीम जिले में लगातार जितने भी पुल पुलिया है उसकी रियलिटी चेक करके आपको बता रही है। इसी में आज हम पहुंचे थे शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा में, जहां तिरहुत नहर के ऊपर बने पुल का एक बार फिर से हम आपको जो है रूबरी पुल से करवाते हैं कि पुल किस स्थिति में है, क्या है पुल की स्थिति। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी इस पुल पर बड़ा हादसा हो सकता है, जब भी यहाँ कोई गाड़ी चलती है, बड़े वाहन चलते हैं, तो पुल जो है जंप करता है और कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी की नजर जो है वह यहां नहीं पड़ी है। और एक बार हम आपको और कुछ तस्वीर जो है पुल का उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं। जरा पुल की तस्वीरों को देखें, इसका जो है कोड जो है इस पर लिखा हुआ है, किस तरह से कोड जो है पुल लिखा, पुल पर लिखा हुआ है। और काफी पुराना पुल है, तकरीबन 40 से 50 साल के बीच का यह पुल बना हुआ है, काफी जर्जर पुल हो चुका है। बावजूद किसी भी पदाधिकारी की नजर जो है वह इस पर अभी तक नहीं पड़ी है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी भी तरह की कोई बड़ी घटना होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगा। न्यूज फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।